हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह की बज रही है 10, मॉर्निंग टाइम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और कल है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी लोगों को एडवांस में गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जाऊंगी मार्केट, लेके आऊंगी गणपति जी की मूर्ति, क्योंकि मैं भी गणपति जी को अपने घर में लेके आती हूँ, कुछ दिन रखती हूँ उनको अपने पास। लेके आऊँगी गणपति जी की मूर्ति, तो आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी और कैसे गणपति जी की मैं पूजा अर्चना करती हूँ, उनकी स्थापना करती हूँ, वो सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी। और चतुर्थी क्यों मनाते हैं ये तो आप सभी जानते हैं कि माता पार्वती और शिव जी के पुत्र गणेश जी का जन्मोत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। और ये पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है गणेश महोत्सव, और सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, और मुझे गणपति जी की मूर्ति देखनी है और उनकी स्थापना करनी है, और उनका पंडाल भी मुझे सजाना है, तो आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी गणपति जी की मूर्तियाँ आ चुकी हैं, जगह जगह पर स्टॉल लगे हैं। और अब मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ, थोड़ा सजावट कर रही हूँ। गणपति जी लाने हैं तो उनकी स्थापना करनी है, तो सोचा थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने दुपट्टा लगाया हुआ है दोनों तरफ से साइड में किया है, और वो ट्रायंगल शेप में थोड़ा बना दिया है, और थोड़े से ये डेकोरेट का सामान मैंने लगाया है। तो इस तरह से मैं पूरा सजावट कर रही हूँ। और अब मैंने ये थोड़े से और डेकोरेट का मटेरियल निकाला है, जिसमें ये रेड कलर का फ्लावर्स का बहुत ही सुंदर इसके चारों तरफ ये लग रहा है। और अब मैंने लाइटिंग भी लगानी है इसमें। और अभी मैंने थोड़ा बड़ा, ये काफ़ी उलझी हुई थी ना लाइटिंग, क्योंकि पिछली दिवाली में ये निकाली थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा ये उलझ चुकी है। लेकिन फिर भी मैंने इसको सही से कर लिया है, क्योंकि मैंने इसको एक तरह से तय मार के रखा हुआ था, और इसलिए जल्दी से मैं लगा रही हूँ अभी। और ये लाइटिंग लग जाएंगी तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा, और कल मैं इसको और भी अच्छे से डेकोरेट करूँगी, क्योंकि गणपति जी लाने हैं। और इसमें एक रेड या ऑरेंज कलर का एक साफ कपड़ा बिछाया जाएगा, ये पूजा की जो चौकी है इसमें, और इसके ऊपर एक रेड कलर का और वस्त्र बिछाया जाएगा जहाँ पे गणपति जी की स्थापना होगी। और लाइटिंग लगा रही हूँ अभी इसके चारों तरफ, थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर रही हूँ, और ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए डेकोरेट कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।